अस्सलाम वालेकुम मदर लव स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आज हमने अपना उर्दू का काम शुरू करना है। सफ़ा नंबर 33, सवाल नंबर 1, हरूफ तहजी पढ़ें और याद करें। अब आपने इस हरूफ तहजी को मेरे साथ साथ पढ़ना है और याद करना है। अब सबसे पहले देखिए आपके पास कौन सा हर्फ लिखा हुआ है, अलिफ। अलिफ के बाद क्या आता है, बे। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता। पे। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, तीन नुक्ते। ते। ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, दो नुक्ते। टे। टे के ऊपर क्या बनी होती है, छोटी तोए। से। से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, तीन नुक्ते। जीम। जीम के बाले में कितने नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता होता है क्योंकि उसने थोड़ा सा खाना खाया होता है। हर्फ चे। चे के बाले में तीन नुक्ते होते हैं, उसने बहुत सारा खाना खाया होता है पेट भर के, तो उसकी बाले में तीन नुक्ते। हे। हे बिल्कुल भूखा है, उसने कुछ खाया ही नहीं, तो उसके ऊपर नीचे अंदर कोई नुक्ता नहीं है। खे। खे के सिर के ऊपर एक नुक्ता है, उसने थोड़ा सा खाना खाया था तो ताज बन गया उसके सिर पे, उसका जो माइंड है वो एक्टिव हो गया। दाल। दाल के बाद डाल। डाल के ऊपर क्या आती है, छोटी सी तोए। जाल। जाल के ऊपर कितने नुक्ते आते हैं, एक नुक्ता। रे। अड़े। अड़े के ऊपर छोटी तोए। जे। जे के ऊपर एक नुक्ता। से। से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, तीन नुक्ते। सीन, जो कि बिल्कुल खाली है, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ। शीन। शीन के ऊपर तीन नुक्ते, उसने फिर भी खाना खाया हुआ तो उसके ऊपर तीन नुक्ते आएंगे। स्वाद, जो कि बिल्कुल खाली होता है। ज्वाद। ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, उसने थोड़ा सा खाना खाया हुआ। तोए, ये भी खाली है, भूखे पेट है। जोए। जोए के ऊपर एक नुक्ता आता है, तो उसने थोड़ा सा कुछ खाया हुआ है। आयन। आयन खाली पेट होता है। वाइन। वाइन के ऊपर एक नुक्ता आता है, इसने भी थोड़ा सा खा लिया, इसने वो कहते हैं ना फे जो था साथ, उसका वो दोस्त था, वो कुछ खा रहा था तो इसने कहा, वाइन ने कहा थोड़ा सा तो मुझे भी खिला दो, तो उसके ऊपर भी एक नुक्ता और फे के ऊपर भी एक नुक्ता होता है, दोनों ने मिलके हाफ हाफ करके खाया। काफ। काफ के ऊपर दो नुक्ते, इन्होंने क्या किया है, काफ ने वाइन और फे से दोनों से लेके खाया, तो इसके ऊपर दो नुक्ते। काफ। काफ के ऊपर एक डंडा आता है, गाफ। गाफ के ऊपर दो डंडे होते हैं। लाम। मीम। नून। नून के अंदर एक नुक्ता है, होता है नून ने, क्योंकि थोड़ा सा खाया होता है, वो कहता है बस इतना सा मुझे दे दें कि जितने से मेरा थोड़ा सा तो गुजारा हो जाए। वाओ। हे। हमजा। छोटी ये, बड़ी ये। अब देखें, आपने ये हरूफ़ तहजी पढ़नी भी है और याद भी करनी है। आपको पता होगा कि इसकी एक नज़म भी थी हमारे पास, अलिफ बे वाली, वो पढ़ें मेरे साथ, याद करें, उससे आपको ज़्यादा जल्दी जो है वो हरूफ तहजी याद हो जाएगी। पढ़ें प्यारे बच्चों, शुरू करें। अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते टी से जीम चे हे के दाल डाल साल रे अड़े चश्मी है हमजा छोटी ये बड़ी ये है हमारी हरूफ़े तहजी। अब आपने इसको याद करना है और अच्छे से इनके नुक्तों की पहचान भी करनी है, और नीचे जो तस्वीर बनी हुई है उसमें बहुत प्यारे प्यारे से रंग भी भरने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।